Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Student, next type of trigonometry is based on trigonometric formulas. अब वो क्वेश्चन करेंगे जहां हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेज आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन करेंगे. ये वो पार्ट है जो स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है. यहाँ पे हम कुछ स्पेशल शॉर्टकट सीखेंगे जहाँ पे हम इन फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन कम और शॉर्टकट का एप्लीकेशन ज़्यादा करेंगे. बट फॉर्मूलाज मैंने देखा है कि हमारे एग्जाम में फॉर्मूलाज भी करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर्म में पूछे गए हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या इसका ये फॉर्मूला करेक्ट है. तो फॉर्मूलाज हमें पता होने चाहिए. फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन हम अपने आप भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस में अपने आप भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज स्टूडेंट्स नोट करिए. स्टूडेंट, सम मोर फॉर्मूलाज ऑन ट्रिग्नोमेट्री. टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी. बच्चों, इससे पहले भी जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए और ये भी जो फॉर्मूले हैं, इनमें एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि एंगल ए एंगल बी से ग्रेटर होगा. द ग्रेटर एंगल इज ऑलवेज एंगल ए. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इफ द एंगल ऑफ साइन इज नेगेटिव देन द होल फंक्शन ऑफ साइन इज नेगेटिव. If the angle of tan is negative, then the whole function of tan is negative. But अगर cos का angle negative है तो cos का पूरा function positive होगा. Cos में ये exception है, cos negative की जगह positive function हो जाएगा जब उसका angle negative होगा. It means cos में angle positive हो या angle negative हो, उसका function हमेशा positive होगा. But sin और tan में अगर angle negative है तो function भी negative होगा. Note करिए student ये formulas, फिर हम question जो फॉर्मूला बेस्ड हैं उसको स्टार्ट करते हैं. कोशिश करेंगे इन फॉर्मूला का एप्लीकेशन कम करें, अपने शॉर्टकट का एप्लीकेशन ज़्यादा करें. नोट करिए. स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने नोट करे हैं, अब इन फॉर्मूला का एप्लीकेशन सीखते हैं. वो चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम में मेनली पूछी जाती हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, उनके ऊपर वर्कआउट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन सीखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री बनाते हैं. देखते हैं कि अभी तक तो हम मेनली शॉर्टकट्स के और फंक्शंस के जो रूल्स थे डायरेक्ट हैं उनको ही अप्लाई कर रहे थे. आज मैं आपको कुछ एप्लीकेशन सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, कुछ सॉल्व करेंगे थोड़ा. लेटर ऑन फिर ये किस फॉर्म में एग्जाम में आती है वो भी डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 7. बच्चों, हाफ एंगल वैल्यूज, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. हाफ एंगल, किसके हाफ एंगल? जो एंगल्स हमारे चार्ट में होते हैं. जीरो का हाफ तो जीरो ही होगा, थर्टी का हाफ 15, 45 का हाफ 22 एंड हाफ, 60 का हाफ 30, 90 का हाफ 45 ऑलरेडी प्रेजेंट है. 15 और 22 एंड हाफ, इन वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे. एक और वैल्यू है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, 18 डिग्री. इन तीनों वैल्यूज़ को मैं आप लोगों को आज सॉल्व करना भी सिखाऊंगा. उसे सॉल्व करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्री बनाना भी सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करते हैं, और एप्लीकेशन भी, फॉर्मूलेज का एप्लीकेशन भी थोड़ा आज ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम शॉर्टकट्स को भी नहीं डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे,
प्योर ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे. लेट सी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 15, कॉस 15, टैन 15. स्टूडेंट्स, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा साइन ऑफ ए माइनस बी, विच इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. इफ आई सब्स्टिट्यूट ए इक्वल्स टू 45 एंड बी इक्वल्स टू 30 इन दिस फॉर्मूला, तो 45 माइनस 30 इज 15. और स्टूडेंट्स यहां पुट करते हैं, तो टेबुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2. सो रिजल्ट आया √3 - 1/√2. स्टूडेंट ये वैल्यू हो गई साइन 15 की. ये आपको सॉल्व नहीं करना, ये वैल्यू आपको लर्न करनी है, याद करनी है. एग्जाम में साइन 15 की एप्लीकेशन के जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे स्ट्रेट अवे. मैं सॉल्व करना इसलिए सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले का एप्लीकेशन आ जाए, फॉर्मूला लगाना आ जाए. नोट करिए, फिर आगे और वैल्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं. सो स्टूडेंट साइन 15 की वैल्यू हमने सॉल्व करी एंड इट इज √3 - 1/√2. बच्चों कॉस 15 की वैल्यू में डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि साइन इंस्टेड ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. और एक बात मेरी नोट कर लो, जितनी भी ये वैल्यूज होंगी इनमें साइन की वैल्यूज में माइनस साइन और कॉस की वैल्यूज में हमेशा प्लस साइन ही मिलेगा आपको. वॉट एवर इज द वैल्यू, साइन और कॉस की वैल्यू में एक तो डिफरेंस सिर्फ प्लस माइनस का होगा, वैल्यू सेम होंगी. और नेगेटिव साइन हमेशा साइन के साथ और पॉजिटिव साइन हमेशा कॉस के साथ रहेगा. ओके, वन मोर पॉइंट, साइन 15 इज कॉस 75 एंड कॉस 15 इज साइन 75. ये एंटी फंक्शन और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, जो कॉस का 15 होगा वो साइन का 75 होगा. तो 75 और 15 दोनों की वैल्यूज हम याद कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टैन 15. बच्चों टैन साइन अपॉन कॉस होता है, साइन और कॉस दोनों की वैल्यू हमारे पास है, डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट विल बी √3 - 1/√3+1. टैन 15 इज √3 - 1/√3+1. एक तो स्टूडेंट इसकी यही वैल्यू आपको याद करनी है, ये एग्जाम में इसी फॉर्म में पूछी जाती है. इसको हम रैशनलाइज करते हैं अगर, तो √3 - 1 होल स्क्वायर एंड √3² - 1 स्क्वायर. रैशनलाइज का मतलब साइन चेंज करके जो फैक्टर आता है √3 - 1 उससे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. तो ऊपर √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे a+b × a - b a² - b² फॉर्म होता है. तो दिस इज a² + b² - 2ab एंड 3 - 1 इज 2. फाइनली 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 - √3. तो tan 15 की दो वैल्यू स्टूडेंट आप लोगों ने याद करनी है, एक √3 - 1/√3+1 और एक 2 - √3. दोनों ही एग्जाम में पूछी गई हैं, इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी. और जो tan का 15 होगा वो cot का 75 होगा. वन मोर थिंग, जैसे sin और cos में प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ऐसे ही tan और cot में प्लस और माइनस का डिफरेंस है. सो √3 + 1/√3 - 1 इज द वैल्यू ऑफ cot 15 एंड 2 + √3 इज द वैल्यू ऑफ cot 15 एंड द cot 15 इज इक्वल टू tan
5. स्टूडेंट हमने फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी सीखा, वैल्यूज भी सीखी. ये सारी वैल्यूज जो मैंने राइट हैंड साइड में लिखी हैं, ये आप लोगों ने लर्न करनी है. नोट करें पहले इसको, फिर और बाकी हाफ एंगल फॉर्मूलाज का डिस्कशन करते हैं. ओके, साइन 22.5, कॉस 22.5 एंड टेन 22.5, इनकी वैल्यूज देखिए. स्टूडेंट ये जो मेथड मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इस मेथड में आप किसी भी हाफ एंगल को सॉल्व करना सीख सकते हैं. इससे पहले भी हमने एक मेथड डिस्कस किया जिसमें हमने 15 डिग्री को सॉल्व किया, 15 डिग्री एवेल्यूएट किया. बट अब जो मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, उससे किसी भी हाफ एंगल का आप वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. सी हाफ, हाफ किसका हाफ है? ये 45 डिग्री का हाफ है. इससे पहले 30 डिग्री का हाफ था. देखिए हमारे पास हाफ एंगल के डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी हैं. वो फॉर्मूलाज कैसे बने उसका एप्लीकेशन थोड़ा सीखते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म करनी आएगी, सॉल्व करनी आएगी. साइन 2a इज 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. अगर एंगल हाफ है तो उसको डबल करने पर वो वापस कंप्लीट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब हाफ को डबल करना है तो ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है जहां पे एंगल का ट्वाइस हो रहा हो. तो हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? साइन 2a, कॉस 2a एंड टेन 2a. अगर साइन 2a के फॉर्मूले को देखता हूं स्टूडेंट, तो यहां पे साइन और कॉस दोनों फंक्शन आते हैं, तो दोनों फंक्शन के साथ डील करना पड़ेगा. बट अगर कॉस 2a के इन दो फॉर्मूलाज को देखता हूं तो यहां पे सिंगल फंक्शन कॉस है और यहां पे सिंगल फंक्शन साइन है. किसी एक ही फंक्शन के साथ हमें डील करना होगा. तो अब देखिए मैं कॉस 2a का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं इंस्टेड ऑफ साइन 2a, क्योंकि यहां जब भी सॉल्व करूंगा किसी एक ही फंक्शन को यूज कर पाऊंगा, कॉस को या साइन को. तो मुझे एक फंक्शन के साथ इवेल्युएट करने में थोड़ा इजी रहेगा. तो इफ आई टेक 1 माइनस साइन कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इफ आई सब्सटीट्यूट a इक्वल्स टू 22.5, सो 22.5 का डबल इज 45 और यहां साइन स्क्वायर 22.5. ये फंक्शन आता हूं कॉस 45 इधर लेके आता हूं, तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 इज 1 माइनस कॉस 45, कॉस 45 इज 1 बाय रूट 2. तो 2 साइन स्क्वायर 22.5 इज रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2. एलसीएम ले लिया, इस 2 को भी नीचे शिफ्ट करते हैं तो साइन स्क्वायर 22.5 इज रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2. और अगर ये स्क्वायर हटाते हैं तो साइन 22.5 का वैल्यू स्टूडेंट्स अंडर रूट रूट 2 माइनस 1 बाय 2 रूट 2 आता है. अच्छा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, रूट से इंडिपेंडेंट बनाते हैं. तो मैं यहाँ ऊपर नीचे अगर रूट 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस बिकम्स 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2 और रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2 माइनस रूट 2. स्टूडेंट ये वैल्यू आया हमारे पास साइन 22.5 का. किसका एप्लीकेशन सीखा हमने? हाफ एंगल को सॉल्व करने का. किसके फॉर्मूले से? कॉस 2a के फॉर्मूले से. तो किसी भी हाफ एंगल के रिजल्ट्स को सॉल्व करना हो स्टूडेंट याद कर लो, किसी भी हाफ एंगल को सॉल्व करना है तो वो हम किसके एप्लीकेशन से सॉल्व करेंगे? कॉस 2a के एप्लीकेशन से, एनी हाफ एंगल. इसको नोट करिए, फिर बाकी हाफ एंगल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं.